चूंकि ऐसे भगोड़े बाबा जिनकी वजह से यह घटना घटित हुई, यदि ये दुखी होता तो ये शासन प्रशासन के समक्ष आता और इस प्रकार से भागता ना। जूता पहनकर के प्रवचन हमने पहली बार दिया। बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करना चाहता। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि सरकार लगातार लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। स्वयंभू भोले बाबा का 2 जुलाई का सत्संग, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्थित आश्रम में किया गया था, उसमें मची भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में वो लोगों की नाराजगी का शिकार हो रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद से ही निशाने पर चलने भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि भले ही मीडिया के सामने आ गए और सफाई दे दी, लेकिन संत समाज में हादसे के बाद से अब तक के हालात पर भोले बाबा के प्रति खासा रोष है। भोले बाबा के पक्ष सार्वजनिक होते ही संतों की बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दरअसल हाथरस हादसे के बाद पहली बार कैमरे के सामने भोले बाबा और सूरजपाल जाटव ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूरजपाल के इस बयान के बाद संत महंत भड़क गए हैं और किस तरह से लताड़ लगा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। देखिए, हाथरस की जो घटना घटित हुई है, निश्चित ही संपूर्ण भारत को शोक संतप्त कर दिया है उसने, और ये हृदय विदारक घटना है। अब चूंकि ऐसे भगोड़े बाबा जिनकी वजह से यह घटना घटित हुई, वह स्वयं को कह रहे हैं कि भगवान मुझे संबल प्राप्त करवाए जिससे मैं यह दुख सहन कर सकूं, यदि ये दुखी होता तो ये शासन प्रशासन के समक्ष आता और इस प्रकार से भागता ना, ये प्रशासन को गुमराह करने का काम ना करता। ये जिस प्रकार से शासन प्रशासन को संपूर्ण भारत के आंखों में धूल झोंक रहा है और गुमराह कर रहा है और स्वयं को विश्व साकार हरि बताता है, नारायण बताने का काम करता है, साक्षात ब्रह्मांड का नारायण बताने का काम करता है, ऐसे लोगों की वजह से ही सनातन पर निरंतर आक्षेप लगते हैं। और मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे बाबा जिनका नाम सूरजपाल जाटव होता है और जो पैंट शर्ट पहनते हैं, सूट बूट जूता पहनते हैं और जूता पहनकर समाज में अपने आप को बाबा प्रस्तुत कराते हैं, ऐसे जितने भी बाबा हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए और सूरजपाल जाटव के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 200 लोगों का यह निर्ममता पूर्वक हत्यारा है। इसके ऊपर 302 के तहत मुकदमे पंजीकृत किए जाने चाहिए, कड़े कानून के साथ जितने भी मुकदमे बन पड़े इसके ऊपर डालने चाहिए। ये पूरे प्रशासन के खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ, पूरे सनातन धर्म के खिलाफ, पूरे भारत के खिलाफ, समाज के खिलाफ इसने षड्यंत्र रचा है। और ऐसे लोगों को मैं मानता हूं, ना तो ये शोक संतप्त होते हैं क्योंकि ये व्यवसायी हैं, इनको किस प्रकार से निजी तौर पर फायदा हो वो उसी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग जब बक्से जाएंगे तो निश्चित ही समाज के लिए जान माल का खतरा बनते हैं। पहली बात को हमें जो जानकारी लगी हुई सबका सत्य जाए, पहली बात कोई परंपरा के साथ को जो जानकारी लगी आईडी ऊपर स्थिति के कारण, तीसरी बात जूता पहनकर के प्रवचन हमने पहली बार दिया, चौथी बात बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करने की चाहते हैं, और पांचवा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ पर रख।